हेलो दोस्तों, आज मैं इस प्लेन के बारे में आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। इसमें पार्ट्स कौन से यूज़ किए हैं, इसके डाइमेंशंस क्या हैं, थ्रॉटल कैलिब्रेशन कैसे करना है, और प्लेन उड़ाने से पहले क्या 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 चेक करना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। इस प्लेन में मैं 1000 KV की मोटर और 1045 प्रोपेलर यूज़ कर रहा हूँ। आपके सामने जो दिख रहा है वो 30 एम्पियर वाला ESC आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा एक पड़ा था तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी मैं 1000 mAh और 3S बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। इसका वेट बहुत कम है इसलिए मैंने ये बैटरी चूज़ की है। यह हमारे प्लेन का विंग है, इसमें मैंने क्लार्क वाई प्रोफाइल यूज़ की है। विंग मैंने 40 mm थिकनेस वाली थर्माकोल की शीट से बनाया, इसको मैंने हॉट वायर कटर की मदद से काटा है। ये इस विंग के डाइमेंशंस है, राइट वाला सेक्शन 19.5 इंच है, लेफ्ट वाला सेक्शन 19.5 इंच है, और मिडल वाला सेक्शन 6 इंच है। ये सेक्शन कैसे काटने हैं और ये इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसके बारे में मैंने पहले भी सेपरेट वीडियो बनाया है, वो इन डेप्थ वीडियो है, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये हमारा फ्यूजलाज, और ये भी मैंने 40 mm थिकनेस वाली थर्माकोल शीट से ही बनाया है। ये आपके सामने इसके डाइमेंशंस है, ये सभी डाइमेंशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर के भी डाइमेंशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मोटर को मैंने प्लाईवुड के एक पीस पे माउंट करके डबल साइड टेप से उसको चिपका दिया, और दोनों साइड में ऊपर नीचे मैंने हॉट ग्लू लगा दिए। रिसीवर और ESC मैंने केबल टाई की मदद से अपनी जगह पर लगाया है। बैटरी को मैंने एक कार्डबोर्ड में रैप करके डबल साइड टेप से चिपका दिया, और सर्वोस को हॉट ग्लू से अपनी जगह पर लगा दिया है। कंट्रोल हॉर्न मैंने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड से बनाया है, जो रडर और एलिवेटर को कंट्रोल करते हैं। इस प्लेन में मोटर आगे की तरफ लगी है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब ये प्रोपेलर इस डायरेक्शन में घूमेगा तब ये पूरे प्लेन को उल्टी दिशा में ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, तो इस इफेक्ट को हमें कम करना पड़ेगा, और ये इफेक्ट कम करने के लिए हमें मोटर थोड़ी एंगल पर लगानी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर थोड़ी सी एंगल में, थोड़ी सी राइट की तरफ झुकी हुई है, ऐसा जानबूझकर लगाया गया है। ये हमारी मोटर और प्रोपेलर है, और ये रेड वाली लाइन थ्रस्ट लाइन है, तो हमें ये थ्रस्ट लाइन ही डिफाइन करनी है। अभी हम प्लेन को ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर थोड़ी सी एंगल पे है, ये राइट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये एंगल 3 डिग्री मैंने रखा है। अब हम प्लेन को साइड से देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से सीधे सीधे मोटर लगा देंगे तो थ्रस्ट लाइन एकदम सीधी है, इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका प्लेन उड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ लूप करना चाहेगा, तो इस टेंडेंसी को कम करने के लिए हमें यहाँ से भी मोटर एक एंगल पे लगानी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने मोटर ऐसे नीचे एंगल पे लगाई है, और ये भी एंगल मैंने 3 डिग्री रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा थ्रॉटल कैलिब्रेशन के बारे में। जब आप प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट करेंगे और फर्स्ट टाइम उसको उड़ाने जाएंगे, तब आपको थ्रॉटल कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। ये आपको एक ही बार करना पड़ता है, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ESC या मोटर चेंज करते हैं तो आपको तभी थ्रॉटल कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तब आपको थ्रॉटल कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए पहले तो थ्रॉटल पूरी तरह से ऊपर कर दीजिए, बाद में ट्रांसमीटर ऑन कीजिए, उसके बाद ESC और बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, और थ्रॉटल स्टिक पूरी तरह से नीचे कर दीजिए। आपको दो बीप सुनाई देंगी, इसका मतलब है थ्रॉटल कैलिब्रेट हो गया है। अब आप थ्रॉटल को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कीजिए, मोटर चालू हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लेन उड़ाने से पहले आपको उसके कंट्रोल सरफेस सही सही काम कर रहे कि नहीं देखना पड़ेगा। इसका मतलब आप जब एलिरॉन स्टिक राइट की तरफ लेंगे तब आपका रडर राइट की तरफ जाना चाहिए, और लेफ्ट की तरफ लेंगे तब आपका रडर लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, और एलिवेटर स्टिक जब आप पीछे की तरफ लेंगे नीचे तो एलिवेटर ऊपर जाना चाहिए, और आगे की तरफ करेंगे तब एलिवेटर नीचे जाना चाहिए। इस प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालनी है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए पहले तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर लेके फ्यूजलाइज के नीचे रखिए, और वो पॉइंट ढूंढिए जहाँ पर ये बैलेंस हो रहा है। देखिए मेरा फ्यूजलाइज इस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे विंग का 25% आना चाहिए। वहाँ पर मार्किंग करके मैंने एक लाइन मार दी है, उसके बाद मैंने विंग के लीडिंग एज से 25% पे मार्किंग कर ली, और मेरे विंग की ये मार्किंग इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए।